अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्या है रहस्य इसके पीछे का, जानते हैं आप? नहीं। अमीर अपने दिमाग से कमाता है और गरीब मेहनत से। कहने का अर्थ है कि गरीब जो है, गरीब क्यों रह जाता है, अमीर दिन ब दिन अमीर होता चला जाता है। अमीर के पास माता लक्ष्मी अपना स्थान ही बना लेती है। जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है? गरीब आदमी जो है दिखावे में रह जाता है, अमीर की नकल करने की सोचता है कि सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ेगी, समाज में उसकी इज्जत बढ़ेगी, उससे अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त होगा। यही दिखावा जो है गरीब को गरीब रहने देता है और अमीर को अत्यधिक अमीर होने देता है। आप जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, गरीब आदमी अगर 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है तो उसके जेब में 50,000 का फोन है, परंतु यही कार्य अमीर को करना हो तो वह सर्वप्रथम अपने 50,000 को इन्वेस्ट करेगा किसी प्रॉपर्टी में या गोल्ड में। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद में बैंक से लोन लेगा, धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, प्रॉपर्टी से उसे किराए पे चढ़ा देगा या कोई बिजनेस कर लेगा, वहां से जो कमाई होती है उससे आईफोन खरीदेगा। गरीब आदमी ने जो कर्जा लेके मोबाइल खरीदा दिखावे के लिए, कुछ दिन बाद उसकी कीमत भी आधी रह जाती है, परंतु 3 साल बाद वह अमीर आदमी उससे 10 मोबाइल भी खरीद सकता है। यही छोटी छोटी जो बातें हैं, यह गरीब को और गरीबी की तरफ ले जाती हैं और अमीर को और अमीरी की तरफ। गरीब अमीर को देखकर ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर देता है, परंतु अमीर आदमी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता। जो भी मार्केट में मिला पहन लिया, परंतु गरीब आदमी दिखावे के चक्कर में ब्रांड के जूते, ब्रांड के चप्पल, घड़ी, मोजा, जूता, हर एक सामान, चाहे उसकी आमदनी 10,000 रुपए क्यों ना हो, परंतु खर्चा उसने 1,00,000 रुपए का ही करना। मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रांडेड ना पहने। जब आपके पास भरपूर पैसा हो तो पहनिए नहीं, किसने मना किया आपको? परंतु जो गरीबी का कारण है, जो गरीब आदमी है, वह अत्यधिक गरीबी की राह में डूबता हुआ चला जाता है। आप लोग इसका कारण क्या है? रहस्य, अमीर आदमी बिजनेस करेगा, वहां से जो पैसा मिलेगा उससे अपने शौक पूरे करता है, परंतु गरीब आदमी दिखावे के चक्कर में आके कि उसने गाड़ी ली है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। आप कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, रिश्तेदारों से मांगेंगे, गाड़ी आप ही ले लेंगे। अब आती है पेट्रोल भराने के बारे में।
ज्यादातर समय आपकी गाड़ी यूज नहीं हो रही, परंतु दिखावे के चक्कर में घर के आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे। बिजनेसमैन तो यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसकी आवश्यकता है, परंतु एक गरीब आदमी को दिखावा करना है कि हमारे रिश्तेदार ने, हमारे पड़ोसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी है। अगर हमने कोई नई गाड़ी ना खरीदी तो कहीं हमारा जो है स्टेटस नीचे ना हो जाए। यही कारण है कि गरीब अत्यधिक गरीब होता जा रहा है और अमीर अत्यधिक अमीर होता जा रहा है। जब तक हम लोग यह विचार अपने बदलेंगे नहीं, तब तक इस संसार में गरीबी बढ़ती ही जाएगी। अगर आप गरीबी को खत्म करना चाहते हैं तो आज से मन में ठान लीजिए, दिखावे की राजनीति बंद कर दीजिए। दिखावे में कुछ नहीं रखा। जब तक आप दिखावा दिखाएंगे, अमीर आदमी दूसरी गाड़ी खरीद चुका होगा, तब आप क्या करेंगे? किसी ना किसी दिन तो आपको रुकना ही पड़ेगा, सही है? सही कह रहे हैं माता जी। तो एक ना एक दिन आपको जब रुकना ही है तो आज क्यों नहीं? आप भी अमीर बन सकते हैं अगर विचार बदलेंगे, सोच बदलेंगे। सोच से इंसान अमीर या गरीब बनता है। अगर आप धारणा अमीर वाली रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी में काम करने लगेगा। परमात्मा ना तो किसी को भिखारी बनाता है और ना ही किसी को अमीर। यह मनुष्य की सोच है, यह इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। जब तक आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तब तक आपका बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपका बेड़ा पार क्यों होगा? कैसे होगा? सोच आपकी बदलेंगे नहीं, चाहेंगे लग्जरी स्टाइल। जितना कमाया उससे कई गुना ज्यादा गवा दिया। अब बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता। ना तो ये रिश्तेदार काम आएंगे, ना मित्र काम आएंगे, ना तो कोई सगे संबंधी काम आएंगे, ना रुपया ना पैसा। उस वक्त जब आपको प्रेम की जरूरत पड़ेगी तब आपको प्रेम भी ना मिलेगा। सारी जिंदगी जवानी आप लोग जलन ईर्ष्या में, दिखावे के चक्कर में अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जब तक आप सोच नहीं बदलते तब तक आप अमीर बन ही नहीं सकते। अमीर बनने का सबसे अच्छा उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। जितनी शीतलता आपके मन में होगी, जितनी आपकी मधुर वाणी होगी, जितने उच्च विचार आपके होंगे तो सभी लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और एक ना एक दिन आप भी अमीर बन सकते हैं।